Hi guys, this is me Kareena back with another skincare video, and in today's video we'll talk about a very important ingredient and how it benefits our skin and the best way to include it in your skincare routine to achieve the best skin you can ever have. So guys, agar aap log YouTube shorts ya fir Instagram reels wagera dekhte ho, zyada Instagram scroll karte ho, to aap log ne notice kiya hoga ki ek jo hai retinol ingredient bahut zyada viral ja raha hai. Like maine dekha hai ki kafi sare celebrities या फिर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहे हैं रेटिनॉल यूज करने के लिए. एंड मैंने जब रिसर्च किया उसके बारे में तो मुझे पता चला कि हाउ अमेजिंग इट इज. एंड मैंने खुद पर्सनली मेरे फ्रेंड्स को मेरे सर्कल में देखा है कि रेटिनॉल यूज करने के बाद हाउ देयर स्किन हैज ट्रांसफॉर्म सो गुड. लाइक इट वॉज रियली अनबिलीवेबल. एंड आई वॉज लाइक मुझे इसके बारे में रिसर्च करना है, जानना है कि ये चीज है क्या एंड हाउ इट बेनिफिट्स योर स्किन. तो मैंने अपना सब ढूंढा, सब कुछ किया एंड फाइनली आई गेव इट अ शॉट. तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है रेटिनॉल से. इसके ही बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे. सो अगर आप लोग को पता नहीं है रेटिनॉल क्या है, तो रेटिनॉल इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए व्हिच हैज मेनी यूजेस इन स्किन केयर. प्राइमरीली इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्ने एंड इट हैज एंटी एजिंग इफेक्ट्स. दिस मल्टी टास्किंग स्किन केयर इंग्रेडिएंट इज अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड. इट इज सजेस्टेड टू यूज रेटिनॉल एट नाइट इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट सन सेंसिटिव activity, and during the day don't forget to skip your sunscreen at all. So today I have three retinols with me. These are from the brand ReEqual. I have 0.1% retinol, 0.3% retinol and 0.5% retinol. So guys, agar aap log mujhe bahut time se follow kar rahe ho to aap log ne mere skin ko transform hote hue dekha hoga. Pehle mera skin matlab itna zyada acha nahi tha. Recently mera skin mein thoda bahut problems chal rahe the, pimple, acne, dark spots and aur bhi bahut sare फाइन लाइन्स वगैरह दिख रहे थे बिकॉज आई वॉज इन रियली टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन. एंड बहुत ही लाइक उसको कवर करने के लिए मैं एवरी डे मेकअप अप्लाई करती थी, तो मेरा स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड एंड बहुत बेकार हो गया था ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट रिसेंटली मैंने स्किन केयर में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है एंड जब से मैंने रेटिनॉल यूज करना शुरू किया है, यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा विजिबल डिफरेंस दिख रहा है मेरे स्किन में. एंड मेरा स्किन काफी ज्यादा क्लियर और ग्लोइंग भी हो गया है. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू ट्राई रेटिनॉल, यू हैव टू कीप टू मेन गाइडलाइंस इन माइंड. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट स्लो एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट विद अ लो स्ट्रेंथ बिकॉज योर स्किन इज नॉट यूज टू रेटिनॉल एंड योर स्किन विल टेक टाइम टू अडाप्ट दैट रेटिनॉल ऑन योर स्किन बिकॉज रेटिनॉल इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर इन्ग्रीडियंट एज कम्पेयर टू अदर इन्ग्रीडियंट्स. तो आप लोग को कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होगी. अ 0.1% कॉन्सेंट्रेशन मेक्स इट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. यू विल वॉन्ट टू बिल्ड अप टू मोर फ्रीक्वेंट यूजेस. सो यू विल हैव टू स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ पी साइज अमाउंट ऑन योर स्किन फॉर लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. आई जस्ट शो यू द प्रोडक्ट इनसाइड. जब मैंने इसे लिया मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कुछ क्रीम यूज कर रही हूँ. एंड उसके बाद ये दोनों भी सेम है बट ये 0.3% है एंड ये 0.5% है. एज सून एज माई स्किन गॉट यूज टू 0.1% आई शिफ्टेड टू 0.3% एंड उसके बाद मैं 0.5 यूज करना शुरू करूंगी. तो ये ReEqual का रिसेंट लॉन्च है. मैंने ReEqual के पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं एंड आई ऑनेस्टली लव ऑल ऑफ देम सो सो मच. मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर ब्रांड आई हैव एवर यूज्ड. तो ये रेटिनॉल जब लॉन्च हुआ आई वॉज लाइक आई नीड टू गिव दिस वन अ शॉट एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट्स. एज आई मेंशन आई स्टार्टेड विद 0.1%. दिस इज अ रेटिनॉल फॉर बिगनर्स. दिस इम्प्रूव्स स्किन फर्मनेस एंड टेक्सचर. लेंड्स यू अ यूथफुल रेडियंस. आई जस्ट क्विकली शो यू द टेक्सचर. द टेक्सचर इज सुपर लाइट वेट क्रीम एंड इट फील्स सो अमेजिंग. इट स्प्रेड्स एंड अब्सॉर्ब्स वेरी इजिली एंड वेरी क्विकली. It is fragrance free and super duper hydrating on your skin. Now let me quickly show you the application. Apply a pea size amount to a clean and toned face at night. As soon as I apply the retinol, my skin feels super hydrated and very glowing. I love the feel I get after using this retinol. You have to start with 2 to 3 applications a week. Slowly and gradually build it in your skincare routine. And one very important tip is do not skip sunscreen at any cost. Also, this tightens enlarged pores and lessens the appearance of your acne. Or if you have any acne spots or dark spots, it will help to reduce those as well. The main thing is it reduces the appearance of wrinkles,
spine line or any age spots. If your skin seems to tolerate retinol well after 1 or 2 weeks, then you can work your way up to applying the retinol 4 to 5 times a week. Then when your skin tolerates 4 to 5 applications a week, then you can shift to applying the retinol every single night. After 0.1%, I have 0.3% retinol. The next step in retinol for a smooth skin texture. It is the intermediate concentration for skin with pre-exposure to retinol. It offers adequate retinol concentration with a soothing and hydrating formulation. All of these retinols are fragrance-free, very hydrating, and these are non-comedogenic and also paraben-free. People with sensitive skin are advised to do a patch test before, and also make sure to not use any kind of exfoliating agents like AHAs, BHAs and vitamin C along with retinol. Like if you are planning to apply the retinol tonight, then you do not have to apply any kind of vitamin C or salicylic, glycolic, hyaluronic acid, nothing like that, just retinol. Other nights you can use that. Lastly, I have 0.5%. This is advanced concentration for skin with pre-exposure to retinol. If you have a problem of pigmentation, then these retinols will help to reduce that like a magic and will give your skin very even and smooth texture, like as you guys can see. Prevent your skin from acne and excess oil. So yeah, now I'll give you a few more tips to minimize irritation on your skin. So try to wait at least 30 minutes after cleansing your face before you apply the retinol. Always moisturize before and after. Like what I do is, when I cleanse my face, I will apply a toner, then I'll just wait for a little while, then apply the retinol, and then I'll apply a very simple moisturizer to keep my skin moisturized. You will typically want to skip any kind of acne treatments or acids or actives on the nights when you're applying retinol. Sticking to just one vitamin A product will help you to reduce any kind of irritation. Don't forget to use a broad spectrum sunscreen of SPF 30+. So one question that is often asked is that how long you have to wait to see the results with retinol. It can take anywhere between 6 weeks to 3 months to see a visible difference. So yeah, these are all the benefits of this Re-Equal retinol. Love each one of them. I'm so excited to shift to 0.5% now. You guys should also try retinol and let me know how you got the results. But जो जो मैंने आपको बताया है वो सब आपको ध्यान में रखना होगा, because one time what happened is that my sister has a very sensitive skin and she did not know anything and she directly applied the retinol 0.3%. She has never used any actives or acids or anything like that, and she did not know any guidelines that has to be followed when you are applying retinol, and she directly applied 0.3% and then she got a lot of skin irritation. After a few weeks आपका skin जब used to हो जाएगा तो आपको तब जब वो skin एकदम clear और glowing लगने लगेगा तो आपको पता चलेगा. जब first time use करते हो तो डर मत जाना कि अरे मेरा skin ऐसा क्यों हो गया है, एकदम ऐसे dry क्यों हो गया, ऐसे flaky flaky क्यों लग रहा है, but because as a beginner starting में वो होता ही है. In most cases that happens, so don't get scared. So इसके लिए you please do a patch test before applying it on your face. I hope मैंने आपको retinol के बारे में सारे information दिए होंगे. Still if you have any query, let me know in the comment section down below. I will love to clear them out. I hope you guys enjoyed this video. If it did, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such interesting videos like this. See you all guys in my next video. Ta-da!